नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 13 मार्च 2024, दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताते हैं। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के अधिकतर स्थानों पर 13 मार्च को बारिश का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के आसार हैं। 14 मार्च को भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार शाम से गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। बारिश बर्फबारी से तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भटियात, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंदरनगर, रिवालसर, गोहर, करसोग, सरकाघाट, सुंदरनगर, सुन्नी, नालदेहरा, कुफरी, चायल, राजगढ़, संगड़ा, शिलाई आदि स्थानों पर ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। मंडी जिले के कई भागों में भी बारिश दर्ज की गई। 15 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, उछलकूद करने वाले कुएं के मेंढक सच्चे जनसेवक नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा चौगान से बागी नेताओं पर तंज कसा। कहा, कुएं के कुछ मेंढक उछलकर एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, वह सच्चे जनसेवक नहीं हो सकते हैं। कहा कि मेंढक महज उछलते हैं। लोकसभा चुनावों में जनता से छल करने वाले ऐसे लोगों को देवभूमि हिमाचल की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता खरीद फरोख्त करने और सत्ता हथियाने की राजनीति कदापि सहन नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद के चुनाव में भाजपा नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। कहा कि जो लोग जनता के मतों से चुनकर आते हैं और नोटों के बल बिक जाते हैं, उन्हीं लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसा कि जो कुर्सी के बिना नहीं रह सकते, उन्होंने सोचा कि कुर्सी को छीन लिया जाए। हम कुर्सी गंवाने का नहीं, कुर्सी बचाने का प्रयास करते हैं। कहा कि जब कोई विधायक बिकाऊ हो जाए तो उसके मन में डर होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 6 बागी विधायक 10 दिन से हिमाचल से बाहर रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए CRPF तैनात की गई है। वह हेलीकॉप्टर से विधानसभा पहुंचे और वापस लौट गए। उन पर इतना पैसा आखिर कौन खर्च कर सकता है। अब बागी ऋषिकेश में ध्यान लगाकर पश्चाताप कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने UG तृतीय के विद्यार्थियों को दिया परीक्षा का विशेष मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कार्यकारिणी परिषद की 22 फरवरी को हुई बैठक में हुए फैसले के बाद UG अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा देने का एक और मौका दिया है। स्नातक डिग्री कोर्स BA, BSc, BCom और शास्त्री कोर्स के सत्र 2018-19 के विद्यार्थी जो 5 वर्षों की तय अवधि में डिग्री पूरी नहीं कर पाए, उन्हें यह अवसर दिया गया है। इस विशेष मौके में आने वाले और इसका लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों को 10,000 की फीस चुकानी होगी। इसके अलावा EC के निर्णय के अनुसार BCA के शैक्षणिक सत्र 2014-15 से 2019-20 के विद्यार्थी जो 5 सालों में डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी यह परीक्षा का मौका दिया गया है। इसके लिए उन्हें 20,000 प्रति सेमेस्टर के हिसाब से फीस चुकानी होगी। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने इस विशेष अवसर को दिए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पड्डल में उतरा देवलोक, एक ही जगह हो रहे देवी देवताओं के दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव के चलते ऐतिहासिक पड्डल मैदान में देवलोक उतर गया है। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को भटकना नहीं पड़ रहा, उन्हें एक ही जगह पर सैकड़ों देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। मेले में करीब 186 पंजीकृत देवी देवताओं के अलावा दर्जनों अन्य देवी देवता भी पहुंचे हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग इस देवलोक का दीदार करने को पहुंच रहे हैं। देवी देवताओं के दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ा कि भीड़ में निकलना भी कठिन हो गया। अपने निर्धारित स्थानों पर बैठे देवी देवताओं के दर्शनों के लिए भक्तों में भारी उत्साह है। दिन भर श्रद्धालु पड्डल पहुंचकर देवी देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। अयोग्य घोषित कांग्रेस के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली तुरंत राहत। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित 6 कांग्रेस विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से उनके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
बागी विधायकों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने अयोग्य विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सत्यपाल जैन से पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। जवाब में जैन ने कहा कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां विधायकों को 18 घंटे के भीतर अयोग्य घोषित कर दिया गया। पीठ ने वकील से पूछा, यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को लोगों द्वारा विधिवत चुना गया है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। जैन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व वरिष्ठ वकील हरीश सालवे करेंगे, जो कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। इसके बाद पीठ ने मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए रख दिया। जनता के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री हर मन से अपने ही विधायकों को कोस रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर मन से अपनी ही पार्टी के विधायकों को कोस रहे हैं, इससे उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। झूठी गारंटी के दम पर सत्ता में आए मुख्यमंत्री जनता के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मंगलवार को जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोग सरकार से कांग्रेस की ओर से दी गई गारंटियों के बारे में पूछ रहे हैं। सरकार को कांग्रेस की गारंटियों पर जवाब देना है। आज प्रदेश में हर वर्ग के लोग सरकार से निराश हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से झूठ बोलकर सरकार बनाई है, उसी तरह झूठ बोलकर वह सरकार को चलाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी गारंटी नहीं रह गई है। आज हर देशवासी सिर्फ एक गारंटी पर भरोसा करता है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक टली, अभी अगली तिथि तय नहीं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार शाम को नहीं हो पाई। इस बैठक की तिथि आगामी दिनों में कभी भी तय हो सकती है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मंत्रिमंडल की यह बैठक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रस्तावित इस बैठक में बजट घोषणाओं को मंजूरी दी जानी है। इसके अलावा कई अन्य विभागों से संबंधित निर्णय भी लिए जाने हैं। नाहन बेचड़बाग मार्ग पर कार से 3 किलो 10 ग्राम चरस बरामद, मंडी व बिलासपुर के 3 आरोपी काबू। सिरमौर पुलिस के विशेष जांच दल ने मंडी व बिलासपुर के 3 आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 10 ग्राम चरस बरामद की है। गोपनीय सूचना के आधार पर नाहन बेचड़बाग मार्ग पर कार की तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से चरस की खेप को बरामद किया गया। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि मंडी व बिलासपुर के रहने वाले आरोपी कहां से इस खेप को खरीद कर लाए थे। आरोपियों की पहचान मंडी के थुनाक के रहने वाले 40 वर्षीय नरेंद्र, बिलासपुर के झंडूता तहसील के 35 वर्षीय ललित कुमार व मंडी के थुनाक के 36 वर्षीय छायाकांत पुत्र केशव राम के तौर पर हुई है। श्री रेणुका जी पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25 व 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज का सुविचार। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।